हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं निशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। डे है फ्राइडे, मॉर्निंग का टाइम है, अभी 7:30 हो रहे होंगे और यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं लंच बनाती हूँ सुमित के लिए। मैं डब्बे बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो डब्बे तो मैंने बना लिए हैं और आलू परोर की मैं सूखा सब्जी बनाई थी तो बन गए हैं। और सुमित से मेरी बात हुई है तो बोले आज मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगा, तो 9 बजे से आज जाने वाले हैं। रोज़ 8:30 बजे तक निकल जाते हैं। और नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन टोस्ट। तो सारी तैयारी मैं करके रख दे रही हूँ, अभी नहीं बनाऊँगी। अभी तो सो के उठे हैं तो ब्रश वगैरह कर रहे हैं और मेरे पास टाइम है तो मैं क्लीनिंग वगैरह कर दूँगी और यहाँ पर मैं पूरा तैयारी करके रख दूँगी। और अंश परीक को मैं जगाऊँगी, उसके बाद उन लोग को मिल्क देने के बाद मैं घर का क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। यहाँ पे बेसन मिक्स हो गए हैं तो ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्च जो कट करके रखी थी उसको मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको ऐड करने के बाद अजवाइन मैं ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, 1-1 चम्मच सारे मैं ऐड करूँगी। सब्ज़ी मसाला इसमें ऐड करूँगी मैं, कोई भी सब्ज़ी मसाला आप यूज़ करते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। जीरा पाउडर भी मैं ऐड करती बट नहीं कर रही हूँ इस टाइम पर, मेरे पास जीरा पाउडर नहीं है और रेडीमेड मैं नहीं यूज़ करती हूँ, ग्राइंड करके मैं घर पर रखती हूँ तो अभी नहीं है, मुझे करना है। हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड किया है, अमचूर पाउडर। मिक्स करके मैं रख दूँगी, थोड़ी देर बाद बनाऊँगी जब सुमित जाने लगेंगे उस टाइम पे मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे सुमित तुलसी जी लगा रहे हैं। इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा गमले में मिट्टी भर के रखा गया था, तुलसी जी नहीं लग पा रही थी। तो आज फ्राइडे था और सुबह ही प्लांट वाला आता है तो आज ही लिया गया है और दिन अच्छा था तो आज ही लग गया है। मैं सुमित से बोली हूँ कि आप लगा दीजिए, नहीं तो आएँगे तो लेट हो जाएगा तो फिर रात में नहीं लगाते हैं। तो फ्राइडे है तो अच्छा दिन भी है, लग भी जाएगा। तो फाइनली तुलसी जी लग गई, नहीं तो जब भी मैं लेने का होता था तब संडे रहता था नहीं तो ट्यूसडे रहता था, और संडे ट्यूसडे को तुलसी जी नहीं लेते हैं, नहीं लगाते हैं। आज उठो बेटा, पापा ऑफिस जा रहे हैं, उठो। परी उठिए, आंस उठो बेटा, उठो। अंश सो के उठते हैं तो इनको थोड़ा सा दुलारना पड़ता है और गोदी में लेना पड़ता है। अभी तो ये जल्दी में नॉर्मल हो जाते हैं, पहले तो आधे घंटे तक इनको लेके मैं बैठती थी और मिल्क पिलाती थी तब जाके ये नॉर्मल होते थे, लेके बैठी रहती थी। अभी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे चेंज हो रहे हैं, और जब से ये चलने लगे हैं तब से ये गोदी नहीं आते हैं। जब से ये चलने लगे हैं कहीं भी मैं जाती हूँ तो ये चल के जाते हैं, मुझे लगता है ये थक गए हैं। तो मैं गोदी लेना भी चाहती थी तो ये आते नहीं थे, सिर्फ मॉर्निंग में ही गोदी आते थे। और इन लोग को मैं मिल्क दे दी हूँ पीने के लिए और यहाँ पे मैं फटाफट क्लीनिंग कर रही हूँ। इसके बाद सुमित शावर ले रहे हैं तो मुझे नाश्ता वगैरह बनाना है और टाइम था तो मैं बोली हूँ क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। क्लीनिंग के पहले इन लोग को मिल्क दी थी और अभी तक ये लोग लेके बैठे हुए हैं। और अंश को आप लोग देखिए कैसे मुंह बना बना के पी रहे हैं, अभी तो अपने हाथ से ये पीते हैं, पहले मैं पिलाती थी और परी को देख के अभी ये पी रहे हैं अपने हाथ से। पिलाना भी चाहती हूँ तो बोलते हैं मैं अपने से पीऊँगा। और यहाँ पर मैं पैन में ऑयल डाला है और इसके बाद मैं टोस्ट बना लूँगी। और ये पैन का हैंडल टूट गया है बट ये ही मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास हैंडल वाला भी पैन है, मैंने दूसरा ले लिया है बट मुझे ये पसंद आता है तो इसी को मैं यूज़ करती हूँ। और जब भी आप जल्दी में रहें तो इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चे भी खाते हैं और बड़े लोग को भी पसंद आता है। तो फटाफट मैं बना लूँगी और सावर लेके आ भी गए, पूजा कर रहे हैं तो मैं फटाफट बना के फिर इन लोग को नाश्ता दे देती हूँ करने के लिए, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। और अंश परी आप लोग को हाय बोल रहे हैं, अंश का मन करता है कैमरा ऑन रहता है तो हाय हेलो करने लगते हैं।
और इन लोग को मैंने नाश्ता दे दिया करने के लिए, और ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी, मुझे पूजा करना है। और यहाँ पे सुमित अंश को खिला रहे हैं। सौ के 3 किलो दे दो। अभी 11 बज रहे हैं और किचन के मेरे सारे काम हो गए हैं। मैं दाल रखी हूँ बॉयल होने के लिए, और आज सुमित ऑफिस लेट गए हैं और लेट नाश्ता वगैरह हुआ है। क्लीनिंग वगैरह तो मैं बीच बीच में कर ली थी, मुझे टाइम मिला था, तो मैं सोची इनके जाने के बाद मैं करती हूँ तो सारे काम मेरे लेट हो जाएंगे। तो क्लीनिंग वगैरह मैंने कर लिया है, और अंश परी जग गए थे लोग, तो बेड वगैरह भी मैंने सही कर लिया है। सिर्फ मुझे बालकनी क्लीन करना है। सुमित तुलसी जी लगाए हैं, प्लांट में पानी वगैरह डाले हैं, तो मिट्टी मिट्टी हो गया है, तो बालकनी मुझे धोना है। ये आलू प्याज मैं लेने गई थी, तो जो प्याज है 100 का 3 किलो था, आलू जो था 50 को 3 किलो था। तो प्याज तो अच्छे थे तो मैंने ले लिया, आलू जो थे अच्छे नहीं थे, बड़े बड़े थे और अच्छे भी नहीं थे, और बड़े आलू मुझे पसंद नहीं है तो मैंने आलू नहीं लिया। आलू प्याज तो मैं नीचे से ही लेती रहती हूँ, कोई और आएगा तो उससे मैं आलू ले लूँगी। और एक वीडियो मैंने अपलोड पर लगाया है, और कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया, आधा दिन तक मैं बिजी थी। परी दे दीजिए आंसर। आधा दिन तक मैं बिजी थी, और आधा दिन के बाद मैं सोई। आधा दिन मैं बिजी इसलिए थी कि सप्लाई का पानी मेरे वहाँ नहीं आ रहा था, और सुमित ने कंप्लेंट किया था, तो आए थे लोग बनाने के लिए, तो बार बार चेक करना पड़ रहा था पानी आ रहा कि नहीं आ रहा है। वो लोग बोल रहे थे लोग कि आप मोटर ऑन करिए, बंद करिए, तो उसमें आधा दिन मेरा निकल गया। आधा दिन के बाद मैं सो गई, और शाम को एक होम रेमेडी का वीडियो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया, शॉर्ट वीडियो, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई जरूर करिए। और आज भी मैं लगाने वाली हूँ, ज़्यादा दिन से मैंने स्किन केयर नहीं किया था, तो कल मैंने लगाया वो फेस पैक, तो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। जो मैं यूज करती हूँ वही आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, तो आप लोगों ने नहीं ट्राई किया है तो एक बार ट्राई करें आप लोग। और जो लोग नहीं जानते उन लोग को मैं बता दूँ, मैं अपने चैनल पर ब्लॉग भी डालती हूँ, होम रेमेडी भी डालती हूँ, मेकअप लुक भी डालती हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा जो आप लोग देखेंगे। मैं बालकनी क्लीन करने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। सबसे पहले मैं रेलिंग क्लीन कर लूँगी, और ये पहले मुझे रोज़ करना पड़ता था। सामने घर बन रहे थे, बहुत ज़्यादा डस्ट आते थे, और अभी भी घर रेडी नहीं हुआ है, पेंटिंग चल रहा है, अभी उतना डस्ट नहीं आता है। पहले रोज़ मैं करती थी मॉर्निंग में, और इवनिंग में वैसे को वैसे हो जाता था, तो अभी मैं रोज़ नहीं करती हूँ, उतना डस्ट आता भी नहीं है, पेंटिंग चल रहा है तो, और अभी बारिश हो रही है तो डस्ट वगैरह उतना नहीं उड़ रहे हैं। और ये रेलिंग क्लीन करने के बाद नीचे की जो रेलिंग है जिसपे प्लांट रखा गया है वो सब मैं क्लीन करूँगी। नीचे के साइड के रेलिंग तो सारे प्लांट हटा के मैं क्लीन कर ली। इसके बाद फ्लोर को मैं धोऊंगी। फ्लोर पे आप लोग देख सकते हैं कितना मिट्टी मिट्टी हुआ है। जब भी कोई नया प्लांट लगाते हैं सुमित, ऐसे मिट्टी मिट्टी हो जाता है, और पानी वगैरह डालते हैं, जिस दिन मिट्टी मिट्टी हो जाता है उस दिन मुझे धोना ही पड़ता है बालकनी को, नहीं तो हफ्ते में एक दिन मैं बालकनी धोती हूँ, और दिन मैं घर में पोछा वगैरह लगाती हूँ तो बालकनी भी उसी टाइम पे मैं लगा लेती हूँ पोछा। और अभी मुझे घर में पोछा लगाना ही है, घर अभी मेरा क्लीन नहीं हुआ है, बालकनी मैं धो लूँगी उसके बाद मैं लगाऊँगी। और मेरे सामने अंश है, मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ, ये पानी में जंपिंग कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि गिर ना जाए, इसके बाद मैं वाइपर मारूँगी। कल मैंने पीछे की बालकनी धोई थी तो वहाँ पर जाके ये गिर गए थे, तो अभी धोने के बाद कितना भी ये मैं झाड़ू से मार रही हूँ तो ये पानी पानी रहता है, तो मैं वाइपर मारूँगी।
हर दिन का रूटीन एक जैसा नहीं रहता है, रूटीन में भी अप डाउन आते रहते हैं, काम के ऊपर रहता है कि कौन सा काम किस दिन बढ़ गया है। आज ही आप लोग देख लीजिए, मेरा 12 बजने वाले हैं और काम अभी भी फिनिश नहीं है। अंश को नहलाना है, मुझे भी नहाना है, परी सिर्फ नहाई है और बालकनी धो रही थी, उसके पहले मेरे दाल बॉयल हो गए हैं तो मैं राइस रख के गई थी और राइस भी बन गए हैं तो मैं गैस बंद करने आई थी। और यहाँ मैंने दाल ट्रांसफ़र कर लिया है और आलू पर उसके मैंने सूखा सब्जी बनाया था तो इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, आप लोग को मैंने बताई। जल्दी जल्दी मैंने काम खत्म करके पूजा किया है। बोलते हैं लोग कि 12 बजे पूजा नहीं करते हैं, तो 12 बजे पहले मैंने पूजा कर लिया था और कपड़े वगैरह नहीं धोई हूँ, कल मैं वाशिंग मशीन में डाल दूंगी धोने के लिए। और सुमित के और भी कपड़े हैं तो सब भी मुझे धोना है तो कल मैं धो लूँगी। और बाल धोई हूँ तभी बाल गीले हैं। और आज का मौसम जो है धूप भी नहीं हुआ है, बारिश भी नहीं हो रही है, बट गर्मी है, हल्का हल्का सा धूप हुआ है। और जो मैं ब्लॉग अपलोड पे लगाई थी वो ब्लॉग मैं पोस्ट कर दी हूँ, आई थिंक आप लोग ने देख लिया होगा। और मेरी ब्लॉग आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार टेस्ट करके मेरी होम रेमेडी जरूर ट्राई करें। जो मैं ट्राई करती हूँ वही आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ और ये ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।